ये गोल्डन प्लाजा, ब्लैक स्प्लेंडर, क्रिमसन ग्लो, क्वीन रोजा, फॉर्चून बिल्कुल रेड पलम, हिरोमी रेड, फ्रायर फ्रायर, ये जो है हमारा ये फ्रायर पलम है। दोस्तों हम आज आपको लगभग 7 पलम नई दो वैरायटीज है पलम की, उसके बारे में आपको जानकारी दी है। और जो है ये हमारे पास और जो उसका फ्रूट है वो देखिए आप, बिल्कुल इस टाइम हमारा जो है बिल्कुल ठोस फ्रूट है और आज ही हमने इसको हार्वेस्ट किया और बिल्कुल जो है इसकी शेल लाइफ बहुत बढ़िया और अच्छी है। हर पलम जो है, कोई भी पलम है, उसकी शेल लाइफ है वो हमारे पास बहुत बढ़िया है। लगभग हमारे उसको जो है हार्वेस्ट किए हुए 15 दिन हो गया फॉर्चून को, तो बिल्कुल अभी भी हमारा जो है बिल्कुल ठोस है। हिरोमी रेड है, फॉर्चून, फ्रायर, आपको पलम की 4 वैरायटी के बारे में बताने जा रहे हैं जो हमारी लेटेस्ट नई वैरायटी है। इसमें एक वैरायटी है फॉर्चून, ये हमारी जो है फॉर्चून वैरायटी है, इसका ये साइज़ है और इसका जो है कलर बिल्कुल रेड है और ये जो है इसकी शेल लाइफ बहुत ज़्यादा है। हमारे को तोड़ के लगभग इसको 15 दिन हो गए हैं, तो ये बिल्कुल अभी भी ठोस पलम है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आई कि ये हमारा जो है किसी भी तरीके से ख़राब हुआ है। और अब आप लोगों को वैरायटी के बारे में बताने जा रहे हैं, ये है हमारी वैरायटी गोल्डन प्लाजा। इसका साइज बहुत बड़ा है और ये देखिए आप कितना बड़ा साइज़ है। और ये है हमारा जो पलम है इस टाइम तैयार हुआ है और ये जो पलम है ये गोल्डन कलर का है बिल्कुल, और इसकी भी शेल लाइफ बहुत बढ़िया है और ये बिल्कुल ठोस है। और ये हमारी वैरायटी एक लेटेस्ट वैरायटी है ब्लैक स्प्लेंडर, ये नई वैरायटी है। और जो ये पलम है ये अंदर से भी बिल्कुल रेड है, अगर हम उसको आपको काट के दिखाएंगे तो ये बिल्कुल अंदर से रेड है। और ये जो है पलम की एक नई और लेटेस्ट वैरायटी है। और ये पलम की हमारी 4th वैरायटी हिरोमी रेड, उसका साइज़ जो है बहुत बड़ा है और इसका जो कलर है बिल्कुल रेड है और इसका टेस्ट जो है बहुत ही अलग पलम है, सब पलमों से अलग है। ये जो है हमारा फॉर्चून पलम है ये बिल्कुल रेड कलर का है, जो हमारा जो है आमतौर पे पलम जो है ब्लैक होते हैं, ये जो है फॉर्चून पलम जो है बिल्कुल हमारा रेड है। और इसकी जो शेल लाइफ है ये बहुत ज़्यादा है और ये बिल्कुल 15 दिन तोड़ने के बाद भी बिल्कुल ठोस है और इसमें कोई भी हमारा किसी भी तरह का कोई ये नहीं है कि भाई ख़राब हो या कोई ऐसी दिक्कत आई हो, इसकी शेल लाइफ बहुत अच्छी है। और ये हिरोमी रेड है, इसका साइज़ जो है बहुत बड़ा है, देखो हम आपको साइज़ दिखाते हैं इसका कितना बड़ा साइज़ है, ये हमारा जो है इसका साइज़ है। और इसको जो है इसकी शेल लाइफ भी बहुत ज़्यादा है और ये 15 दिन हमारे को जो है इसको तोड़ कर हो गया और बिल्कुल ये अभी भी ठोस पलम है, कोई ऐसा ये नहीं कि ये दब रहा है हमारा, कोई ऐसी दिक्कत आ रही है इस पलम में। ये हमारा जो है ब्लैक स्प्लेंडर है, इसका साइज़ जो है बहुत बढ़िया है और ये चपटा पलम है, जिस तरह ब्लैक अंबर है हमारा उसी तरह चपटा है, पर जो है अंदर से बिल्कुल लाल है। आमतौर पर जो है ब्लैक अंबर हमारा वाइट है और ये जो है बिल्कुल अंदर से लाल है। और ये है गोल्डन प्लाजा, इसकी शेल लाइफ बहुत ज़्यादा है, अगर आप इसको तोड़ के 20 दिन भी टेबल पे रखेंगे या किसी भी तरह से इसको स्टोरेबल करेंगे तो ये लगभग 1 महीना आपका जो है पलम ख़राब नहीं होगा। और इसका साइज़ जो है लगभग स्मॉल साइज़ तक इसका साइज़ बनता है। हम आपको और जो है 2 वेराइटीज़ के बारे में बताने जा रहे हैं, ये हमारा जो है क्रिमसन ग्लो है, ये पलम जो है अंदर से बिल्कुल रेड है, जैसा चुकंदर का हमारा जो कलर है उस कलर पर अंदर से बिल्कुल रेड है। और ये इसका जो है देखिए आप इस तरह का ये है और ये जो है हमारा अंदर से बिल्कुल रेड और बिल्कुल इसकी शेल लाइफ जो है बिल्कुल बहुत बढ़िया है और ये बिल्कुल ठोस पलम है। देखो आपको हम दिखाते हैं, इसको तोड़ के भी हमारे को लगभग 15 दिन हो चुके हैं, अभी 15 दिन से हमने इसको जो है फ्रिज में रखा था, तो आज देखिए आप कि ये बिल्कुल हमारा जो है पलम उसी तरह का है जैसे हमने रखा था और ये बिल्कुल रेड पलम है अंदर से भी। और ये पलम हमारा जो है क्वीन रोज़ा है, जिसका जो है हमारे पास पहला सैंपल आया है और ये बहुत ही बढ़िया पलम और बहुत ही ठोस पलम है। और देखिए आप इसकी जो शेल लाइफ है वो बहुत ज़्यादा है और बिल्कुल ये इस टाइम बिल्कुल ठोस है।
और इसको हार्वेस्ट किए हुए हमारे को लगभग 15 दिन हो चुके हैं। ये जो वेराइटी है ये हमारा गोल्डन प्लमजा है, और ये वेराइटी हमारी जो है क्रिम्सन ग्लो है, और ये बिल्कुल अंदर से रेड है। तो उसकी खास बात है कि ये बिल्कुल अंदर से रेड है, और इसका साइज भी बहुत बढ़िया है। और ये हमारा क्वीन रोज़ा है, और ये क्वीन रोज़ा का जो है हमारा पहला सैंपल है, और इस तरह का इसका फ्रूट है, ये क्वीन रोज़ा है। ये हमारा हॉट बिल्कुल रेड कलर और बहुत बढ़िया साइज़ है जी, और लंबा जो है ये लंबोत्रा पल्लम है, ये गोल पल्लम नहीं, आमतौर पर पल्लम जो है सारे चपटे हैं, ये जो है लंबा पल्लम है। और ये हमारा ब्लैक स्प्लेंडर है, ये बिल्कुल चपटा और बिल्कुल अंदर से बिल्कुल रेड पल्लम है। और ये हमारा जो है हिरोमी रेड, बिल्कुल सबसे बड़ा साइज़ और बहुत बढ़िया शेल लाइफ और बहुत बढ़िया टेस्ट है इस पल्लम का जी। इस तरह हमने आपको 5 वैरायटी 6 वैरायटी पल्लम के बारे में बताया जी। हम आपको जो है एक वैरायटी और जो है हमारे पास फ्रायर है, जिसकी हमारे पास बहुत बढ़िया डिमांड है, और इसका साइज़ और जो है इसको आज ही हमने हार्वेस्ट किया है। और ये देखो इसका शेल लाइफ, और ये कितना ठोस पल्लम है, बिल्कुल टाइट और किसी भी तरीके से इसमें, और इसका साइज़ देखिए आप, बिल्कुल मीडियम साइज़ हमारा पल्लम है, जितना हमारा मीडियम का सेब है लगभग उतना इसका साइज़ है हमारे पास। और ये हमारा जो है तीसरा सैंपल है, 3 साल से हमारे पास लगभग इसका सैंपल आ रहा है। और ये देखिए आप, कोई भी इसी तरीके से हमारे पास कोई साइज़ का इसका इशू नहीं है, इसकी जो शेल लाइफ है वो बहुत बढ़िया है। ये हमारा जो है 5 अगस्त से 15 अगस्त के बीच में जो है हमारा हर जगह तैयार होने वाला पल्लम है, और ये लेट पल्लम है हमारा। और ये जो हमारे जो है आपको नई 7 वैराइटीज़ के बारे में